एसओजी बढ़िया तो काम कर रही है, पर एसओजी ने एक लड़के को तो ऐसा उठाया, हर कोई ने बोल दिया कि ये लड़का फर्जी है, उसको उठा लिया, मतलब उसकी सब कुछ पूछताछ के भेज दिया, फिर वो पकड़ के ले गए, कितनी जिल्लत हुई उसकी, उनके घर वालों ने रात वो यानी कि मर ही गए वो तो। ऐसे नहीं, ऐसे हर कोई को तो नहीं उठाना चाहिए ना पूरी। और एक ये जो कोई भी हो चाहे ये बोलते हैं कि फर्जी है, ये फर्जी थानेदार, ये फर्जी थानेदार तो बिल्कुल ही सहन नहीं। भाई इनकी जांच करो, सीबीआई जांच करवाओ, कितने संघर्षशील बच्चे हैं ये, और कितना इनमें पेशेंस है, कितना इनमें धैर्य है, 6-6, 7-7 घंटे ये मतलब ट्रेनिंग में कितना काम करते हैं, इनको सोने नहीं दिया जाता है, रात को ये क्या ये मोबाइलों पर कुछ ना कुछ बोल के इतना टॉर्चर करते हैं, न वो सो पाते न वो खा पाते, ये 10 साल का एक खामियाजा कौन भरेगा। मैम आप कहाँ से? मैं झुंझुनू से, मेरा नाम सुशीला। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो दोषी हैं उनको तो बख्शा नहीं जाए, है ना, और जो दोषी हैं उनको मतलब फांसी पे लटकाया दिया जाए। हमें सरकार से न्याय चाहिए, हमारे बच्चे को मेहनत करके आगे आए हैं तो उनको न्याय मिलनी चाहिए, हमारी सरकार से यही मांग है। जो निर्दोष है उनको तो छोड़ा जाए, और जो दोषी हैं उनको चाहे फांसी की सजा दी जाए, हमसे तो सरकार की यही मेहनत है। और बहुत मुश्किल आपके कौन लगा इस भर्ती में? हाँ? कौन लगाया आप? मेरा भतीजा है, भतीजा लगा है, और मैं यही चाहती हूँ मेरे ये भाभी खून पसीने की मेहनत करके खेत में काम करके दिन रात लाइन बदल के मतलब उस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया था। इसने बहुत दिन रात लगी रहती थी, बेटा ऐसे कर बेटा, फिर एक नौकरी छोड़ी, आरएस में उसका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में उस बच्चे को भाई पैसे नहीं थे इनके पास, तो वो टॉप था, उससे कम वाले बच्चे का आरएस में चयन हो गया, तो वो इंटरव्यू में उस लिए रख दिया कि इसके पास पैसे नहीं थे, पटवारी की एग्ज़ाम वो छोड़ के आया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मतलब जो सही हैं उनको न्याय मिलना चाहिए सरकार से, निर्दोष को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। लेकिन तमाम अभ्यर्थियों के परिजनों का यही कहना है कि निर्दोषों को न्याय मिलना चाहिए। कुछ और महिला अभ्यर्थी हैं जिनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम आज एसआई भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए? बोल। मेरी मम्मी मेरे को 6 महीने की छोड़कर गई थी, मेरी मम्मी को न्याय दो, मेरी मम्मी को न्याय दो, दोषियों को पकड़ो। आप कुछ? मारी बच्ची जो मैं सरकारी स्कूल में फटार मेहनत कर मिन्त मंजूरी कर अति दोरी दोरी फटाई, रात ने सोती को न दिन में बिचार बड़ी काम करती रहती, रात ने सोती को न रात ने फटती, और अत्री मेहनत सू लागी से, और अब 8 साल सुबह को नंबर आए जो 8 साल होगी घर छोड़िया, और अब आज भी एसआई की भर्ती रद्द करवा के लाग रहे थे। तो निर्दोषिया ने दोष क्यों दे रहा, जो दोषिया ने दोष दियो, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए जी कभी भी। बहुत सुपर डाई से कहां से हैं? बासा से।